फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तिल लेंगे, ये 1 कप तिल है। इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे या इसका मतलब भून लेंगे। ये 1 कप मैंने पीनट्स लिए हैं, इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये 1 कप मैंने खोपरा लिया है, इसे अच्छे से काट लिया है। अब इसे भी भून लेंगे। ये मैंने 1 बिग ऑनियन लिया है, अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। इसका कलर अच्छे से गोल्डन आना चाहिए, तब तक के लिए इसे फ्राई करते रहिए। ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम ये सारे ग्राइंड कर लेंगे। ये बारीक पेस्ट बना लीजिए अच्छे से, देखिए अच्छे से ग्राइंड होना चाहिए। ये मैंने ऑयल लिया है, 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, बिग 4 टेबलस्पून। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऑनियन डालेंगे। ये ऑनियन मैंने लिया है, 1 मीडियम साइज ऑनियन लिया है। इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये देखिए गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। अदरक लहसुन मैंने लिया है 2 बिग टेबल स्पून और सॉल्ट मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। अब इसमें ऐड कर लेंगे। ये अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है ऑनियन के साथ। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अब हम लेंगे ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट मसालों का। इसे हमें 15 मिनट भूनना है पूरा, जब तक इसका ऑयल छूटने लगे। इसे हमें 15 मिनट के लिए भूनना है लो फ्लेम पर, वरना ये मसाला जल जाएगा। ये मसाला गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे कर्ड। ये कर्ड मैंने लिया है 1.5 कप, इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे भी हम मसाले के साथ भून लेंगे इसे भी। ये देखिए ये अच्छे से तेल छूट रहा है साइडों से, अच्छे से भून गया है ये। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसके अंदर 1/2 केजी चिकन ऐड करेंगे। इसे भी 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे मसालों के अंदर। गैस का फ्लेम लो रखेंगे 15 मिनट तक और बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे कि चिकन जरा गल जाए। पानी बिल्कुल मत ऐड करिएगा। चिकन 50% कुक हो चुका है, अब हमें पूरी तरह से चिकन गलाना है। अब इसके अंदर हम 2 ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे। गैस का फ्लेम लो रखिए। अब हम इसे 10 मिनट से अच्छे से पका लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैंने लिया है 1 बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स। ये मैंने लिया है 1 बंच ऑफ मिंट लीव्स और 4 से 5 ग्रीन चिल्लीज लिए हैं। इसे भी ऐड कर लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए। सो गाइस, हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसे डिश आउट करके बताएंगे।